दोस्तों, आज की इस कॉम्पिटिटिव और भाग दौड़ भरी लाइफ में एक नौकरी कितने मायने रखती है, ये बात न तो किसी से छुपी है और न ही इसे एक स्टूडेंट से बेहतर कोई समझ सकता है। 10वीं, 12वीं और अधिक से अधिक ग्रेजुएशन कर लेने के बाद हर स्टूडेंट्स के अंदर एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। और वो बेचैनी हो भी क्यों ना, क्योंकि एक ठीक ठाक सी नौकरी ही आपकी लाइफ को पटरी पर लाती है। और अगर वो नौकरी सरकारी हो तो समझिए कि आपने साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भारत की एक ऐसी ही महारत्न कंपनी की पूरी जानकारी, जो आपकी आंखें खोल देगी और आपको ये यकीन भी दिला देगी कि अगर आप सही जानकारी और थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो इस महारत्न कंपनी में आपके लिए भी एक कुर्सी लग सकती है। तो चलिए बिना देरी किए ले चलते हैं आपको इस जानकारी के सफर पे और करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, हमारे भारत में न तो आइडियाज की कमी है और न ही ड्रीम्स की। और वो कहते हैं ना कि ड्रीम्स से ही तो नए आइडियाज आते हैं। बस यही वजह हमें अपने देश के आर्थिक, वैश्विक और सतत विकास के लिए मजबूत और आत्मनिर्भर बनाए रखती है। दोस्तों, आजादी के लगभग 37 साल बाद भारत को प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और भारत में प्राकृतिक गैस के लिए बाजार के विकास की नींव रखने के उद्देश्य से अगस्त 1984 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के तहत एक PSU के रूप में गेल इंडिया लिमिटेड को शामिल किया गया, जिसमें इसके शुरुआती प्रोजेक्ट के रूप में इसे हजीरा विजयपुर जगदीशपुर यानी HVJ पाइपलाइन प्रोजेक्ट के निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में से एक थी। और इसके साथ आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि ये 1800 किलोमीटर लंबी और 1700 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई थी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के साथ नवंबर 1988 में गेल को विजयपुर में LPG एक्सट्रैक्शन प्लांट स्थापित करने के लिए 300 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी भी मिली, यानी कि इसमें 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का परमिशन मिल गया। HVJ गैस पर आधारित जो प्लांट था उसकी क्षमता 4 लाख टन पर एनम से अधिक होती थी, जिसे 2 लाख टन पर एनम क्षमता के दो फेजेस में लागू किया जाना था। 1990-91 तक विजयपुर में LPG संयंत्र के फर्स्ट फेज की शुरुआत अपने निर्धारित समय से 8 महीने पहले ही पूरी हो गई थी और इसके बाद विजयपुर में सेकेंड फेज नवंबर दिसंबर 1991 में पूरा हुआ और फरवरी 1992 में चालू कर दिया गया। दोस्तों, आगे चलकर 1994 में गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा बॉम्बे सिटी के अंदर गैस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक प्रोजेक्ट के रूप में 6 दिसंबर 1994 को ब्रिटिश गैस के साथ एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया और MGL यानी महानगर गैस लिमिटेड के नाम से एक कंपनी स्थापित की गई और इस कंपनी ने बॉम्बे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट को लागू करने और बिजनेस को शुरू करने के लिए एक सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लिया। आगे चलकर गेल के एक्सलेंट ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए भारत सरकार ने यह पूर्ण रूप से मान लिया कि गेल में वैश्विक दिग्गज बनने की पूर्ण क्षमता है और इसीलिए वर्ष 1997-98 के दौरान इसे भारत सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया। यहां बॉम्बे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के बाद गेल ने दिल्ली शहर में डोमेस्टिक और कमर्शियल कंज्यूमर की आपूर्ति के लिए पायलट प्रोजेक्ट को भी शुरू किया और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड BPCL और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ एक जॉइंट वेंचर का गठन दिसंबर 1998 में किया गया। यहां आपको बताते चले कि भारत सरकार ने 1999 में 5 MMSCMD यानी मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे गैस प्रोसेसिंग के लिए गांधार में गैस प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना को भी मंजूरी दी और इस मंजूरी के बाद गेल ने मार्च 2001 में गांधार में LPG प्लांट में ट्रायल प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये रही कि 361 करोड़ रुपए की एक्सेप्टेड कॉस्ट के भीतर गेल ने अपने कार्य तत्परता को दिखाते हुए तय समय से 10 महीने पहले ही अपने फाइनल प्रोडक्शन को भी शुरू कर दिया। वैसे देखा जाए तो वर्ष 2003-04 में म्यांमार में A1 ब्लॉक में गैस रिसर्च और कैम्बे ब्लॉक में ऑयल एंड गैस की खोज गेल की एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए सबसे पहली सफलता साबित हुई। वर्ष 2004-05 के दौरान 67,000 से अधिक क्षेत्रफल वाले 11 EDP ब्लॉक्स में गेल की पूर्ण रूप से भागीदारी थी। गेल ने पहली बार 6 सितंबर 2005 को अपने कैम्बे ऑयल बेसिन में कच्चे तेल का उत्पादन शुरू किया, जिसे सितंबर 2004 में खोजा गया था
और आज भी गेल के पास इस ब्लॉक में 50% की हिस्सेदारी शामिल है। अपने कार्य के प्रति समर्पित रहते हुए गेल ने वर्ष 2007-08 के दौरान 576 किलोमीटर लंबी दहेज पनवेल बभोल पाइपलाइन को 3200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में पूरा किया। दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि गेल ने अपने अधिकतम प्रोजेक्ट को तय समय से पहले और निर्धारित बजट में ही पूरा किया गया तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसके बाद साल 2009 के दौरान गेल ने पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी में अपना डाइवर्सिफिकेशन दिखाया और फिर साल 2012 में GSPA यानी जनरल सर्विस एंड परचेज एग्रीमेंट पर गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री बीसी के बीच हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों, यहां हम आपको एक खास बात बता दें जो बहुत कम ही लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल को 1 फरवरी 2013 को महारत्न कंपनी का दर्जा देने की मंजूरी दे दी थी। महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के बाद गेल के अस्तित्व को विशाल रूप देने के लिए 22 मंजिला गेल जुबली टावर को लीड प्लैटिनम ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स के अनुसार डिजाइन किया गया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये लीड क्या है, तो आपको बताते चलें कि लीड यानी लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन दुनिया में सबसे व्यापक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है। यानी कि जितने भी प्रकार की बिल्डिंग के लिए स्वस्थ, कुशल और कॉस्ट सेविंग वाली जो इमारतों का एक रूपरेखा तैयार किया जाता है वो इसी लीड के द्वारा तैयार किया जाता है। तो अगर बात करें गेल के इस जुबली टावर के फैसिलिटी की, तो इस इमारत में यानी इस बिल्डिंग में गैस इंजन जनरेटर का उपयोग करके अपना स्वयं का क्रिएटिव पावर जनरेशन प्लांट यानी कि इस बिल्डिंग के पास अपना खुद का कैप्टिव बिजली उत्पादन संयंत्र है और इस बिल्डिंग में जो भी वेस्ट हीट होगी, जो भी अपशिष्ट ऊष्मा होगी, उसका उपयोग एसी सिस्टम को चलाने के लिए किया जाता है। इस एरिया में पर्याप्त लाइटिंग के लिए 30 किलोवाट का सोलर एनर्जी प्लांट भी लगाया गया जिसका बिजली बिल अन्य दूसरी ऊंची इमारतों की तुलना में 40% तक कम होता है। इस बिल्डिंग की दीवारें इंसुलेशन और हाई परफॉर्मेंस ग्लास से फुल्ली फर्निश्ड हैं। अपने पाइपलाइन प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन करते हुए 2015 में गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा लगभग 11,000 करोड़ रुपए के निवेश से जगदीशपुर हल्दिया नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को बनाया गया जिसका एकमात्र उद्देश्य था कि 2050 किलोमीटर लंबी हल्दिया जगदीशपुर नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश तक एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इफेक्टिव फ्यूल पहुंचाएगी। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पटना बिहार में जगदीशपुर हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। यहां आपको बताते चलें कि गेल इंडिया लिमिटेड BCPL यानी ब्रह्मपुत्रा क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड का मुख्य प्रमोटर है जिसमें इसकी 70% इक्विटी की भागीदारी है और बाकी के 30% को ऑयल इंडिया लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और असम गवर्नमेंट द्वारा आपस में इक्वली शेयर किया जाता है। दोस्तों, साल 2017 में बेंगलुरु में बेंगलुरु सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी हुआ और पर्यावरण का ख्याल रखते हुए गेल द्वारा वाहनों के लिए 2017 में भुवनेश्वर तथा 2018 में कटक में CNG ईंधन स्टेशन का भी उद्घाटन हुआ और इसी के साथ फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के फेज 1 और पटना सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और नवंबर 2019 में रांची और जमशेदपुर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का भी उद्घाटन हुआ। तो इन्हीं उपलब्धियों के साथ कंपनी को अनेक अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है जिसमें जनवरी 2021 में इसे FIPI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री द्वारा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एस्टैब्लिश कंपनी ऑफ द ईयर जैसे कई अवार्ड शामिल हैं। आज वर्तमान समय में गेल का कुल रेवेन्यू टर्नओवर 1,44,302 करोड़ है और टोटल नेट प्रॉफिट 1,793 करोड़ है और वर्तमान में कंपनी 1,75,696 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में तेल और गैस अन्वेषण गतिविधियों में अपना कार्य कर रही है। और इसी के साथ साथ गेल आज भविष्य में भारत की उम्मीदों के अनुसार अपने रेवेन्यू को दुगुना करते हुए भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में अपना योगदान दे रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको गेल की ये पूरी कहानी, पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जर्नी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो आप किसके ऊपर चाहते हैं वो भी हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।